अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि हम बेसिकली एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज का मेन पर्पस जो है, आप सबको प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन और प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो हमारा गाइडलाइन का जर्नी होगा, इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, हमारे कंटेंट्स क्या होंगे, बहुत सारी वीडियोस होंगी, कंप्लीट डिस्कशन होगी। तो हमारे इस जर्नी के जो कंटेंट्स होंगे, आज मैं आपको उनका ओवरव्यू करा देता हूँ। तो हमारे जो कंटेंट्स होंगे वो ये होंगे, हम देखेंगे प्यास के बारे में कि प्यास है क्या, प्यास की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो है ये देखेंगे कि प्यास की तरफ स्टूडेंट्स जो है वो क्यों अट्रैक्टेड होते हैं, ऐसा क्या है जो प्यास में फैसिनेटिंग, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। प्यास के फाउंडर कौन थे, क्या वो स्टिल अलाइव हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, क्या प्यास के एस्टेब्लिशमेंट के वक्त इसका नाम प्यास ही था या इसका प्यास नाम बाद में किया गया है। फिर हम देखेंगे कि क्या इज इट वर्थी टू स्टडी इन प्यास ऑन रेगुलर फी बेसिस, क्या प्यास से एमएस करना रेगुलर फी बेसिस पे ऊपर इसका कोई एडवांटेज है या इसका कोई डिसएडवांटेज है। तो ये बड़ी डिटेल में डिस्कशन हम चीजें करेंगे। फिर हम मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप अगर कमीशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कमीशन का पार्ट बनने की, तो क्या सिर्फ प्यास ही एक वो वे है जिससे आप कमीशन में जा सकते हैं, या आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके जरिए आप कमीशन का पार्ट बन सकते हैं। प्यास में कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनमें प्यास जो है वो अपनी डिग्री प्रोग्राम्स जो है ऑफर करता है, प्यास में अप्लाई कैसे करते हैं, प्यास के एडमिशन जो है स्पेसिफिकली एमएस एडमिशन जो है वो ओपन क्यों होते हैं, और हम सिर्फ एमएस के ऊपर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्या प्यास के पास पेपर्स अवेलेबल हैं, क्या प्यास जो है वो अपने पास पेपर्स जो है वो रिपीट करती है। फिर मैं आपके साथ पास पेपर्स जो है वो कुछ शेयर करूंगा, और ये जो पास पेपर्स हैं उनकी ऑथेंटिक सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि आपने इन पेपर से प्रिपरेशन करके आप कितना आपको एज मिल सकता है। मैं आपके साथ डिफरेंट डिसिप्लिन्स के पास पेपर शेयर करूंगा जिसमें सेरे फेरेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एक्स्ट्रा, ये सारे डिसिप्लिन जो है वो शामिल होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्यास का टेस्ट जो है वो कब कंडक्ट होता है, क्या प्यास का जो टेस्ट सेंटर होता है वो आप बाद में टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जहां प्यास का टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है, प्यास की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले होती है, क्या प्यास की मल्टीपल लिस्ट डिस्प्ले होती हैं या प्यास की एक ही लिस्ट डिस्प्ले होती है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज कब कंडक्ट होते हैं, इंटरव्यूज की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंटरव्यूज कहाँ कहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्यास के पास्ट फेलोज हैं, प्यास के स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जो करंटली प्यास में इनरोल हैं, उनके मैं इंटरव्यूज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैं अपने उन फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स और जो अभी रिसेंटली मेरे जूनियर्स हैं वहां पे प्यास में, उनको स्क्रीन पे लाऊं, लाइव उनके साथ डिस्कशन करूं, और आपके जो क्यूरीज हों, जो आपके क्वेश्चंस हों कि आपने तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करनी है, किन स्पेसिफिकली टॉपिक्स के ऊपर आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है, पेपर का पोर्शन कहाँ से ज्यादा आता है, तो ये उनसे मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होंगे, एम्बिगुइटीज होंगी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी और आपको एक वे मिल जाएगा, एक स्मूथ वे मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। ये सारी चीजें देखने के बाद हम देखेंगे क्या एक दफा आपका फेलोशिप के ऊपर अगर एडमिशन हो गया प्यास में, अल्लाह करे जो कि सबका ही हो जाए, तो क्या आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो जाती है या स्टिल आपको कुछ प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। फिर हम वो स्टेजेस डिस्कस करेंगे कि प्यास ज्वाइन करने के बाद जो आपको फेस करनी पड़ती हैं,
फिर हम लाइफ एट प्यास कैंपस जो है वो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या प्यास में लाइफ जो है वो स्टूडेंट्स की वो इजी है या इतना ही इजी भी नहीं है। और फिर जो है यहाँ पे हम अपने ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज होगी डिस्कशन की वो हम कंक्लूड कर देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है प्यास एमएस एडमिशंस और से रिलेटेड मिलेगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो टच में रहना है, कनेक्ट होके रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ वक्तन वफ़क्तन मिलती रहे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी जब भी यूजफुल वीडियो आप के पास जब भी अपलोड होगी तो आपको फौरन जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चले हैं, बहुत जल्द आपके साथ मिलते हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।